तो जो प्रेजेंटेशन आगे हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? होप करते हैं सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है। और गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 9। मैंने नाश्ता बना लिया है पोहे का और सभी लोग उठ चुके हैं। मनमोहन जी स्कूल गए, उनके लिए खाना बना दिया था सुबह ही। गाइज पापा जी नहा रहे हैं, मस्त राम जी रसोई में पता नहीं क्या कर रहे हैं, और सरोज भाई और एमी साथ में खेल रहे हैं। मैंने इधर सुबह वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। गाइज आ तो पापा जी और सरोज भाई गाँव चले जाएंगे क्योंकि उनका यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा है और गाँव में मम्मी अकेली है तो बहुत सारा काम भी है। कल भी मम्मी का कॉल आया था, बोल रही थी कि भाई अब तो आ जाओ आप, यहाँ पे बहुत सारा काम भी है, गाय है भैंस है और मेरा मन भी नहीं लगता है, तो आज पापा जी को भेज देंगे ट्रेन से और सरोज भाई भी जाएगी आज। आज वैसे तो हमको सवाई माधोपुर जाना था, 8 तारीख हो गई, 8 फरवरी मेरे मामी ससुराल जी के लड़के का लगन आया था। पता नहीं है जाएंगे कि नहीं जाए क्योंकि मन नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे खुद के जुकाम हो गई है और फिर एमी को भी हो गई है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। गाय जी जो जाती हुई सर्दी है ना, सबको लगेगी एक बार। मैं कल जयपुर से बाइक आया था इसलिए बीमार हो गया, वरना मैं ठीक था, पर मेरे जुकाम भाई है ना पीछे ही पड़ चुकी है। मैं तो हर 10 दिन 5 दिन में बीमार हो रहा हूँ क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रही है जुकाम मेरे को। और रही बात मामा के जाने की, तो मुश्किल ही होगा क्योंकि एक ट्रेन 10 बजे थी तो 10 तो बज गए और एक ट्रेन है अब शाम को 5 बजे, फिर जाके भी क्या करूंगा, लगन तो समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, पूरा जो भी प्रोग्रेस होगा वो खत्म हो जाएगा। ना अभी बैग पैक किया है, ना कपड़े का कोई बंदोबस्त है, कोई सिस्टम ही नहीं है। पापा की भी फर्स्ट वाली ट्रेन तो निकल गए, अब शाम वाले भी जाएंगे तो शाम तक पापा के साथ रहना भी जरूरी है मेरे को। सुबह सुबह पपीता का नाश्ता हो गया था भाई, और अभी बन रहा है पोहा। इधर प्याज व्याज काट दी, इधर नमकीन वमकीन आ गए, नींबू आ गए भाई, ना पूरा सिस्टम बिखरा पड़ा है। कुछ तो कर ले तू, साफ सफाई रखा कर, कुछ तो देख क्या हो रहा है इधर, इधर क्या हो रहा है। भेजने के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े पूरा कट्टा भर गया और इधर वही सामान रखे और तो कहा रखे देख। स्कूल गया था सुबह तो उसके कपड़े है बस। चलो मैं तो स्टीम ले लेता हूँ क्योंकि मेरे जुकाम तगड़ी हो गई है। गाइस पापा कर रहे हैं पूजा भगवान जी की। तो आज तुम्हारे दादा और इसकी बुआ दोनों चली जाएंगी, एक पैर में मोचा है एक में नहीं। मैं तेरे को बोला था लेके, पापा भी नहा दोर आ गया भाई, जा दादा के साथ घूम जियो मजा कर जो गांव में। गाइस सुबह का नाश्ता आ गया हमारा पोहा का, पापा और मैं साथ में कर रहे हैं। यार बगड़े के न्यूज़ खुद इस फॉर कर दे, हां सही काम बड़ी हो जाएगी। गुड्डी है गुड्डी, एमी दादा के साथ खेल रही है मस्त। एमी जा रहे था जाएगी तू? एमी को पापा ने पैसे दिए था और फटाक से पैसे ले लिया एमी, पैसे में तो ये पूरी समझने लग गई। गाइज ना दो की रेडी हो गए, पापा जी भी ना लिए, मैं भी ना लिया, सिस्टर भी ना लिए, अंकिता भी ना लिए, सब ना लिए। मनमोहन गया स्कूल और अब दिन के बज गए 3, तो पापा जी जा रहे हैं। तो पापा जी के भाई जितने भी सामान वगैरह थे इधर करिए पैकिंग कट्टा में, पापा जी को मैं जयपुर छोड़ने जाऊंगा। अंकिता यही रही है, आज प्रोग्राम भी थोड़ा सा जयपुर में, तो मैं जयपुर रुकने वाला हूँ, पटियाला सूट पहन के मस्त रहे। आ गए ये लो गाइस, मनमोहन भी आ गया स्कूल से पढ़ के भाई। अबे एमी ना चुप नहीं हो रही, दादा जा रहे हैं तो दादा की याद करिए, एमी दादा की जा रहे हैं दादा, अब दादा से मिलने के लिए तेरे को माधोपुर जाना पड़ेगा। एमी को दिमाग खराब से भाई, दादा और जा रहे हैं। सरोज भी जा रही है, तो अब देख गांव में बड़े रहो, बड़े खावा पीबो करो, बड़े काम करो करो, आजकल लोग बाग बदनाम करवा के लिए कहीं भी कर सकते, ये वजह में सबसे दूर रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप से पूछ जाओ, खट्टा भी जाओ करो, कहीं भी करो, तो अपना घर रहो मस्त रहो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप से बड़ो खोई खोली दुनिया। अगर माँ बाप ने कोई छोटा थोड़ा सा भी यूं बोला ना मैं तू यहाँ को, तो आपने कोई इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत से बड़ी कोई इज्जत को ना, अगर कोई चू बोल दे ना एक चक्कर गाल पे दे। आदत उम्र ही को ना 16-17 साल की है गाइस, तो आलो शादी वादी भी करने को ना, आलो तो देखेगा बढ़िया जगह, देखेगा बढ़िया छोरो, देखेगा बढ़िया पढ़े लिखो, बढ़िया बढ़िया अच्छो परिवार सब कुछ देखेगा, उसके बाद में छोरी ने भी छोरो दिखा बोला। पहले वाला सिस्टम को ना भाई कर दिया ब्याह, और यहाँ को ना अब दिखा दी कोई बढ़िया सारो काम, भाई छोरी राजी है छोरो राजी है तब ब्याह करना चाहो, यहाँ को ना भाई छोरो राजी है छोरी राजी को ना, छोरी राजी है छोरो तो राजी को ना, सब राजी खुशी हो, पूरा परिवार राजी खुशी हो जब ब्याह करना चाहो, ताकि 2 दिन बाद में अपना रिश्ता खराब को नहीं हो। और बढ़िया रहो अपना, बढ़िया खाना बढ़िया पीना, पापा मम्मी की सेवा करनी है सही। दादा के साथ में दर्द खेल रही हो तेरे वाला की, अब तो पापा हाथ लगाता रोज राम करो ये करो जाओ दादा। चलो ते मनमोहन पापा ने छोड़ा तू, फिर अगली बार सरोज मैं चल जाऊंगा तेरे साथ।
ऐवे जा दादा आशीर्वाद लेना बेटा। ठीक है बाबा चल छोड़े मन मन जल्दी पापा ने फिर लेट होऊंगा। एमी देखी ना थी एमी जा रहे हैं गांव में जा रहे हैं हम तो चलेगी तू तेरे गांव में ए नहीं ये मेरा गांव है यही पैदा हुई थी मैं कौन सा गांव की बात कर रहा है। अरे बेटा मेरा जिसमें मैं पैदा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं पैदा हुआ था ना वहाँ की बात कर रहा हूँ। ये बोल रही निकल अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ पैदा हुआ है मेरे को ये फर्क पड़ता है मैं कहाँ पैदा हुई मैं वहाँ अरे बेटा नींद जी ए राम जी मस्त चिड़बला गया अरे अभी तो चलो भाई चलते हैं मनमोहन जी वेट कर रहे हैं इधर देखो मनमोहन जी के भाई ले भी आ गए यार जो छोटा सा बच्चा था वो मनमोहन का भाई लगता सच्ची भी वही है सही में ही और गाय जी मनमोहन का चेला देख सकते हो आप जानता होगा तेरे को तो ऐसा कोई देश का कुत्ता नहीं है जो तेरे को नहीं जानता। बस से आए थे गाय तो सिंधी के उतर गए थे सिंधी के हमसे पहले कट पे तो जयपुर जंक्शन आ गए ये रहा जयपुर जंक्शन सामने तो पापा के लिए टिकट करवाता हूँ पापा को ट्रेन बिठाता हूँ ये लोग चले जाएंगे मुझे कोई प्रोग्राम में जाना है कहाँ जाना है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ से टिकट ले लिया मैंने जल्दी से ऑनलाइन टिकट कर दिया भाई नहीं तो लाइन में तो ना टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। तो गाइस टिकट कटवा दिया ठीक चलो ना ठीक है चलो जाओ ओ गाइस दिक्कत ओ चलो जाओ गाइस पापा को छोड़ दिया मैं और मन भारी भारी हो रहा है क्या ही बोलूँ अब पर अब गए पापा मम्मी और उनको मैं निराश नहीं कर सकता मेरे को रोना भी आ रहा था पर नहीं निराश कर सकता था तो पापा और बहन गए उनको मैंने अंदर तक छोड़ दिया था रिक्स पे क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था भीड़ थी बहुत ज़्यादा ट्रेन निकल जाती हम 10 मिनट पहले ही पहुँचे स्टेशन पे तो गए पापा मम्मी अभी बात कर लूँगा कि वह ट्रेन बैठ गए नहीं बैठे। और अब मैं जा रहा हूँ हिमबागड़ी के प्रोग्राम में आज मेरे मामा जी के लड़के का भी लगन आया हुआ है बट क्या ही करूँ इधर भी फंसा हुआ था उधर भी और मेरी बेटी की तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी नहीं थी तो अभी मैं उसके प्रोग्राम में जा रहा हूँ मतलब उसने कोई क्लब वगैरह लिया है तो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं है। गाइज मेट्रो में आ गया और पापा से बात हो गई सही प्लेटफॉर्म पे गए और अब मेरे को जाना है गुजर के थड़ी वहाँ पे राजेश है तो राजेश के पास जाना है फिर वहाँ से शाम को जो 6-7 बजे प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाएंगे। निराती से मार्केट भी आ गए अब यहाँ से फिर बाइक वाइक ऑटो वगैरह पकड़ते हैं फिर जाते हैं JDA पार्क। तो गाइज क्लब के उद्घाटन था आज मतलब ओपनिंग थी तो यहाँ पे आ गए भाई तो मेरे कुछ जानकार भाई थे जिनको मैंने बुलाया था जिमनी खड़ी है थार खड़ी है सब लोग आए हुए हैं। नमस्ते काका श्री। अरे यार बहुत वेट कर रहा है भाई। अरे यार तो काका श्री मार मोबाइल हो गया बंद अंकिता का फोन कर लिया कत्ता तो अच्छा मैं देखा यार भाभी नमस्ते भाई क्या हाल मार फोन करे तो बंद आयो मोबाइल आवाज भी 2% है। काका जी भी आ चुका है फाइनली अब चलते हैं ट्रैफिक का मायने मतलब अच्छी देर में आदमी अमेरिका पहुंच जाए बिल्कुल भाई साहब आज ट्रैफिक भी बैंक कर दिया राम राम भाई राम राम जी हेलो मैम क्या चाहिए पौध का ठीक है ला रहा हूँ क्या हाँ भाई। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को भाई ने ये क्लब खोल लिया मैं पूरा एड्रेस है ना इसका डाल दूंगा भगवान से विश करता हूँ आप खूब आगे बढ़ो इस क्लब के अंदर खूब कमाओ खूब मजे करो बिल्कुल बिल्कुल भाई राम राम भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो थैंक यू बधाइयां हेलो राम राम कैसे इंग्लैंड या ब्रिटेन में या अमेरिका में आगा मैंने मैं को माहौल जे बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब लंदन वाली फीलिंग दे रहे हैं आप तो गाइज कलम में से निकल गए भाई खूब सारा एंजॉय कर लिया वहाँ पे
और वीडियोज वगैरह बना लिया थोड़ा बहुत। उन लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया वहाँ पे भाई, काफ़ी सब्सक्राइबर आए थे। और फिर और लोग कर लिया मैंने, तो जो भाई है वो भी सब्सक्राइबर भाई निकल गया अचानक से। तो अभी मेरे को घर पे छोड़ने जा रहा है, तो गाइस बने रहो ब्लॉग के साथ। और मैं आपको बता दूं भाई, कल मैं गया था तो हम ऐसे मत सोचना कि भाई वहाँ पे वो लड़कियाँ वड़कियाँ थी ये वो। देखो क्लब में ये सब चीज़ें होती है, हम तो प्रमोशन करने आए थे, भाई था वो, दोस्त था हमारा, तो उसने नया क्लब खोला है, तो वो सब सीन था। तो वहाँ पे सब चीज़ें हैं, जैसे अल्कोहल करने वाले वो भी थे, स्मोकिंग करने वाले वो भी थे। अब हम तो भाई सादा सिंपल आदमी है, चुपचाप बैठे थे, मस्त खा रहे थे, नॉर्मल नाश्ता वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया। और काका जी और आए थे तो वो गए, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला भाई थोड़ी देर रुक जाओ भाई, तो मैं रुक रुका के और अब जा रहा हूँ घर पे। राधे राधे मेरी जानुड़ी, राधे राधे। राम राम जी मैडम, नमस्ते। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अंकिता के लिए मैं रात के 12 एक बजे आया था, वरना मैं जयपुर रुकने वाला था उस दिन। किसने बोला था मत आना, प्यार होता है ना वाइफ से, ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो बोला था मत आना सुबह। हाँ बेटा, काय देख लिए टुकर टुकर। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बाय बाय।